वेलकम फ्रेंड्स, एडुकेशन एंड जॉब्स यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को जो कि चलकर आ रही है फ्रॉम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से। ओके, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। साथ ही ये शेड्यूल्ड बी मिनी रत्न कैटेगरी के PSU कंपनी है, तो काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से ये रिक्रूटमेंट आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट में उन्होंने क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की है। तो सबसे पहली बात कि एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी फॉर द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट पोजीशंस के लिए। ओके, मैं आपको नेम ऑफ द पोस्ट विद एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताऊंगा। उससे पहले स्केल बता देता हूँ, स्केल ऑफ पे जो कि वैरी करेगी सभी पोजीशंस के लिए 40,000 से लेकर 140,000 तक। ओके, तो काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट की पे वो लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स किस किस स्ट्रीम से एलिजिबल है, कंप्लीट उसे डिस्कस करते हैं। पहली है मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल की पोजीशन, जिसमें BE या BTEC की रिक्वायरमेंट की गई है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दूसरी पोजीशन है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की इलेक्ट्रिकल में, जिसमें सेम BE या BTEC की डिग्री चाहिए इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच। थर्ड है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स से, जिसमें BE या BTEC की डिग्री चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट पोजीशन है नेवल एंड आर्किटेक्चर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, ये पोस्ट रहेगी और BE या BTEC वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन जो है वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की ह्यूमन रिसोर्स में, तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन कैन अप्लाई विथ 2 years ऑफ फुल टाइम रेगुलर डिग्री इन MBA, MSW और PG डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी विथ अ स्पेशलाइजेशन इन HRM, IR और पर्सनल मैनेजमेंट और लेबर एंड सोशल वेलफेयर। ओके, ऑल्सो फाइनेंस की एक रिक्रूटमेंट पोजिशन है जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट होगी, जिसमें ग्रेजुएट एंड क्वालिफाइड CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट है, या फिर क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICMA जिसे कहा जाता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो है 33, मिनिमम 28। ओके, तो ये है और 33 रखी गई है SC ST के लिए, OBC के लिए 31 years एंड फॉर अनरिजर्व्ड एंड EWS 28 years। ओके, तो ये है रिक्वायरमेंट और पे स्केल जो कि मैंने आपको डिस्कस किया साथ में भी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं विथ रिजर्वेशंस, तो ये डिटेल आप इस PDF में देख सकते हैं। आप इस PDF को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस PDF में उन्होंने मेंशन किया है वो है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। तो आपको एक अपीयर करना पड़ेगा रिटर्न टेस्ट, ये रिटर्न टेस्ट आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है या फिर पेपर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। पैटर्न ऑफ द रिटर्न टेस्ट उन्होंने मेंशन किया है इस PDF में, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे विथ मार्क्स बता दूँ, 85 नंबर होंगे टोटल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, Part 1 and Part 2 में क्वेश्चंस होंगे। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ CTC से है, तो आपको जो ट्रेनिंग की पोजीशंस पे आपको रखा जाएगा कुछ समय के लिए, उस समय आपको 11.36 lakhs पर एनम मिलेंगे आफ्टर एब्जॉर्बिंग टू यू इन देयर कंपनी एज अ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड, दे विल बी पेइंग यू 15.05 lakhs पर एनम जो कि काफ़ी अच्छी पे स्केल है। ओके, उसके बाद रिजर्वेशंस आपको मिलेंगे अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और साथ ही में आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आपको एप्लीकेशन फिल करने के पहले जनरल कंडीशंस पढ़ लेने चाहिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है। बता दूं 500 का नॉन रिफंडेबल आपको फी पे करना पड़ेगा थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट हैव टू सबमिट अ सेपरेट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी फॉर ईच पोस्ट, मतलब अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सेपरेट एप्लीकेशन सेंड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हाईलाइटेड पॉइंट जो इस PDF में मैंने मेंशन किया है वो है ईमेल ID। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी होती है अप्लाइंग में, तो आप उनके ईमेल आईडी में मेल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, आपको उनके वेबसाइट पर जाना पड़ेगा नोटिस बोर्ड करियर्स में और क्लिक करना पड़ेगा GSL करियर्स में। आफ्टर क्लिकिंग देयर यू नीड टू अप्लाई देयर एंड व्हाटएवर पोस्ट यू वांट टू यू कैन सिलेक्ट। ओके,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डेट्स। तो आप 3 जनवरी 2024 से अप्लाई कर सकते हैं और 2 फरवरी 2024 तक इनकी एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी फॉर टेकिंग योर एप्लीकेशन। तो दिस इज इट फॉर दिस रिक्रूटमेंट। और ये रिक्रूटमेंट थी फ्रॉम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से, PSU कंपनी है। और अगर आप इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल और इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। फॉर मोर सच लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।